दोस्तों अगर आप विराट शर्मा को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन, जहां पहले दिन 255 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए थे 4 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में दिन के शुरुआत में वापस से उस्मान ख्वाजा और कैमरॉन गिरिन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए और आधे एक और बार इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी मैदान पर साफ जाहिर हुई। दोस्तों इन दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी वैसे ही थी जैसे इन दोनों ने बल्लेबाजी खत्म की थी पहले दिन। कैमरॉन ग्रीन ने इसी सिंगल के साथ अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा किया इस मुकाबले में और अब ये भी शतक पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। दोस्तों भारतीय टीम दिन की शुरुआत तक एक भी बड़ी विकेट नहीं निकाल पाई है, हालांकि यह सेशन भी भारतीय टीम के हाथ से ज्यादा हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों भारतीय टीम के लिए परेशानी बढ़ रही है क्योंकि जैसे जैसे उस्मान ख्वाजा सेट हो रहे हैं वो घातक बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि तेज गेंदबाजी शामी और उमेश की भी नहीं चल रही है, सिर्फ बल्लेबाजी चल रही है तो उस्मान ख्वाजा की और उनके साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कैमरॉन ग्रीन की। दोस्तों आप सभी को बता दें पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। इसी के साथ भारतीय टीम से उम्मीद अच्छी की जा रही थी कि आज के दिन वो ज्यादा विकेट निकाले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 315 के पार चली चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों आप भारतीय टीम की गेंदबाजी को 10 में से इतना नंबर देंगे हमें कमेंट बॉक्स।